वागे फिर दोस्तों आपका हमारे एक नए ब्लॉग नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आया हूँ भोपाल में और भोपाल के वन विहार यानी जैसे कि जू और चिड़ियाघर कहा जाता है जंगली गाय वन विहार में है और हम लोग देखने वाले हैं वन विहार का ये पूरा। देखो यहाँ पे हिरन वगैरह भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो शेर वगैरह टाइगर लायन सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो चलो देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लिए पहले बार हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर। वो शेर देखा, देखिए ये शेरनी यहाँ पे, वो ये देखिए ये है शेर और इसके ही बगल में ये देखिए ये है शेरनी, लेकिन वो दिख नहीं रही है बिल्कुल सही तरीके से, ये अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा है। ये झाड़ के पास में देखिए ये बैठी है। ये देखिए दोस्तों अभी हम लोग टाइगर देख रहे हैं और टाइगर देखने के बाद अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। कुछ कछुए वगैरह है पानी के जो देखने के लिए आए हैं, लेकिन है या नहीं है वो तो मिट्टी का बना हुआ है लेकिन रियल में है या नहीं है वो हम लोग देखते हैं। हाँ ये पड़े हैं छोटे छोटे, ये अंदर ये दिखाई देगा। ये देख लो ये यहाँ पे कछुए और वहां पे भी दिखाई देगा पानी में आपको, ये देखिए। और एक देखिए ये है, ये तो मट्टी का बना हुआ है लेकिन ओरिजिनल जो है ये यहाँ पे सामने पड़ा है। ये देखिए ये है ओरिजिनल वाला, ऊपर मुंडी उठा के देख रहा है, देखिए किस तरीके से। ये देख ले दोस्तों ये सूखे में रहने वाला ये, जो कि इसको पहाड़ी कछुआ कहा जाता है। देखिए वहां से धीरे धीरे आ रहा है और ये पहाड़ के अंदर में जंगलों में सूखे में रहते हैं। पीछे हमने देखा वो ये पानी वाले थे जो पानी के किनारे थे पानी के अंदर, लेकिन देखिए सूखा वाला जो पहाड़ के अंदर में रहते हैं इन लोग, जंगलों में पहाड़ में रेत के अंदर आपको नजर आएंगे। वन विहार आप घूमोगे तो वन विहार के साइड में देखिए तालाब ही तालाब है, एक साइड में तालाब है वो आपको नजर आएगा, दूसरी साइड में इस तरीके से पहाड़ है और ये पहाड़ के ऊपर में ये जानवर वगैरह है। हाँ चलिए यहाँ देख लिए, ये ऐसे आपको जानवर वगैरह यहाँ पे नजर आएंगे पहाड़ के ऊपर में। और दूसरे साइड से मुझे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये तालाब है नजर आएगी। ये दोस्तों देखते देखते अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ये स्नैक पार्क। ये देखिए ये है स्नैक पार्क और इसके अंदर में सांप की बहुत सारी प्रजाति है, जहरीले बगैर जहरीले कई किस्म के सैकड़ों किस्म का सांप है। तो चलो इसमें देखते हैं हम लोग सांप का ये स्नैक पार्क। ये अंदर हम लोग आ गए हैं, अब यहां से हम लोग देखेंगे नए नए सांप। ये देखिए दोस्तों ये उड़ने वाला सांप जिसको बोलते हैं धामन, ये धामन है धामन जिसको उड़ने वाला सांप बोला जाता है। ये अंदर देखिए बहुत सारे सांप आपको नजर आएंगे, ये देख लीजिए ये पूरे अंदर सांप ही सांप आपको नजर आएंगे, बहुत सारे सांप है। ग्लास में कांच में हो सकता है थोड़ा सांप को क्लियर नजर नहीं आए, लेकिन अंदर बहुत सारे सांप आपको नजर आएंगे। ये देखिए दोस्तों ये वाइपर सांप है जो कि बहुत ही जहरीला होता है, यानी कि बहुत ही जहरीला होता है और बहुत ही खतरनाक होता है। ये अंदर जा रहा है, इसका मुंडी देखिए ये देखिए इसे ये आ रहा है और एक यहाँ पे देखिए बैठा है, एक इस साइड में आपको नजर आएगा और एक अंदर है लेकिन उसकी मुंडी नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये वाले सांप को आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। दोस्तों ये एक सांप देखिए हम लोग देखने के लिए आ गए जिसको कहते हैं अजगर, जिसके बारे में सुना होगा कि जानवर को अक्खा निकल जाता है, कोई भी हिरन हो या बकरी हो या इंसान हो इसको ये अक्खा खा जाता है। देखिए ये
बहुत ही खतरनाक जानवर है ये, गोल गोल बैठा है, लेकिन अगर इसको खींच के लंबा करेंगे तो कम से कम ये 10 मीटर तो निकलेगा कम से कम। देखिए ये बिल्कुल गोल गोल करके ये बैठा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये एक सांप है, लेकिन ये फोटो है, लेकिन अंदर इसके अंदर होगा पत्ते के नीचे, लेकिन पत्ते के नीचे आप हटाएंगे कैसे, ये कांच के अंदर है। इसको कहते हैं देखिए दो मुआ सांप। ये दोस्तों दो मुआ सांप, इसका फोटो देख लीजिए, ये इस तरीके से होता है, ऐसा लगता है कि दोनों साइड में मुंह है, लेकिन ये इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये पत्ते के अंदर जाके छुप के बैठते हैं इन लोग। तो ये पत्ते के अंदर जंगलों में पत्ते के नीचे होते हैं जो नजर नहीं आता है। ये कोने में देखिए बैठा है, ये भी वही जाति का है, और इसके रोशनी के लिए बल्ब भी लगा है रात में देखने के लिए। ये देख लो, जो कि खा पी के आराम कर रहा है, मुंडी बाहर है लेकिन अभी आराम के मूड में है। बिहार की वीडियो बहुत सारे जानवर हमने देखा, आपने एंजॉय किया होगा, और वीडियो अच्छी लगी है उसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। पहली बार चैनल पे हो तो इस तरीके के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।